Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम एक हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं. स्पेशली लाइक जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे इस आर्टिकल में मैं आपको उसको हिंदी बताऊँगा, कैसे आपके नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है और आप इसको डेली देखोगे तो आई एम एश्योरिंग यू डेफिनेटली यू वुड एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी फॉर योर इन्हांसमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉलेज. इससे आपको मैं बताऊँगा क्या क्या कैसे कैसे सेंटेंस आए, कैसे क्या करना है. अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसे मेन्स पेपर जैसे ही यहाँ से आता है एडिटोरियल पार्ट से द हिंदू से आप कर सकते हैं उसको, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी. और इसमें स्पेशली क्या रहता है कि इंग्लिश स्पीकिंग ऐसी चीज़ है कि वो सेंस वाइज चलती है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा बट हम कैसे किस वर्ड को कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा. लास्ट में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा जिसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और उनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं बोलने के लिए. और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं वोकेबलरी के, अगर आपको वोकेबलरी में लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ से अपना देख सकते हैं आगे आपकी इन्हांसमेंट के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. ए क्लास ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये केरला के बारे में आर्टिकल है. जो केरला की पॉलिटिकल क्लास है वो क्या है, बंदों को अपने जो एक स्टाफ होता है उनका, कोई भी मिनिस्टर का MLA का, तो वो अपने साथ एक स्टाफ रखते हैं जिसकी पेंशन बना के वो रख देते हैं, वो स्टेट के एक्सचेकर पे बर्डन आ रहा है, उसी के बारे में आर्टिकल है. क्या क्या किया जा रहा है. एक क्लास फॉर इटसेल्फ, मतलब एक क्लास है जो सिर्फ अपने लिए है इटसेल्फ. लाइक केरला मस्ट गिव अप होता है छोड़ देना. आपने सुना होगा कि यू हैव नॉट टू गिव अप, मतलब आपको यू हैव नॉट गिव अप, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं किसी को. केरला मस्ट गिव अप यूजिंग गवर्नमेंट पेंशन एज ए पोलिटिकल पेट्रोनेज. पेट्रोनेज होता है कि आपका मतलब कोई पाल रहा है, पेट्रोनेज कर रहा है या पैतृक बन रहा है कोई, मतलब पोलिटिकल पेट्रोनेज हो रहा है, पोलिटिकल एज ए पिता उनकी देखभाल कर रहा है और इसको पेंशन को यूज करके, गवर्नमेंट की पेंशन को यूज करके पोलिटिकल पेट्रोनेज बन रहा है, तो उसको मस्ट गिव अप, मस्ट होता है मॉडल वर्ब, गिव अप छोड़ देना चाहिए. तो इसमें क्या बोल रहा है, द केरला गवर्नर हैज स्टीयर्ड, तो केरला के गवर्नर ने हैज स्टीयर्ड, मतलब स्टीयर्ड होता है हिलाना, जैसे आप कोई छड़ लेके किसी चीज़ को मान लो आप, या स्टीयर्ड अप हिला दिया, तो उसने स्टीयर अप कर दिया. जैसे आप मान लो कोई छड़ लेके या आप अपनी टेबल स्पून लेके उससे जो स्टीयर अप यू आर, मतलब टू ऐड द शुगर इन टू टी यू आर स्टीयरिंग अप विद योर टेबल स्पून. टेबल स्पून के साथ आप हिलाते हैं ना चाय को उसमें शुगर चीनी मिलाने के लिए, तो वो है स्टीयर अप. या फिर आपने इसमें क्या है, केरला गवर्नर हैज, मतलब पर मतलब कर चुके हैं ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, हैज स्टीयर्ड अप ए हॉर्नेट. हॉर्नेट होता है ततैया, आपने देखा वो पीले रंग का होता है जैसे ततैया बोलते हैं, जैसे जो काट लेता है उसका डंक होता है, जो स्टिंग होता है जो उसका, स्टीयर अप उसने छेड़ दिया है ए हॉर्नेट नेस्ट, ततैया का छत्ता छेड़ दिया, बाय डिमांडिंग द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए यूनिकली केरला वेलफेयर स्कीम. तो उसने कहा कि भाई जो डिसकंटिन्यू करो इसको, आपको पता है कि गवर्नर एज ए एजेंट काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है केरला में अपोजिशन पार्टी की, कांग्रेस की, तो उसी लिए आप समझ सकते हो ये बात है कि वेलफेयर स्कीम है जो उसको डिसकंटिन्यूएशन करने के लिए बोला गया, उसने ततैया का छत्ता छेड़ दिया है. दैट कवर्स अराउंड 1200 पीपल हु सर्व्ड ऑन द पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिनिस्टर्स. तो जो पर्सनल स्टाफ रहे हैं जो मिनिस्टर्स के, वो पेंशन ले रहे हैं, उनको ख़त्म करने की बात की गई है केरला के गवर्नर ने. एंड लीडर्स ऑफ अपोजिशन एंड गवर्नमेंट चीफ विप्स वो जो होता है कि भाई जो आपका विप जारी होती है, आपको पता है कि अगर जो भी पार्टी के मेंबर अगर उसके पॉलिटिकल के जो इंटरेस्ट के बाहर जा रहे हैं तो उनको मॉनिटर करता है, उसको बोलते हैं चीफ विप. तो चीफ विप के जो या अपोजिशन लीडर के हैं या उनके जो स्टाफ हैं उनकी पेंशन को रोकने की बात की गई है. द नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर लाइफ टाइम पेंशन, तो ये लाइफ टाइम पेंशन के लिए हैं, फ्रॉम द एक्सचेकर इज सेट टू स्वेल टू अराउंड. तो स्वेल अराउंड होता है स्वेलिंग, आपने देखा हो कि भाई स्वेलिंग आ जाती है बंदे के, तो उसको बोलते हैं स्वेल. ये मतलब बढ़े जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ी जा रही है. सेट टू स्वेल टू अराउंड 1500 व्हेन एडिशनल बेनिफिशरीज.
तो ये 1500 हो गए, इनकी संख्या बढ़कर, वेन द एडिशनल जो अलग से बेनिफिशरी हैं हु वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान रिक्रूट किए गए थे एंड वो आर एडिड, वो उनको ऐड कर लिया गया है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो केरला के गवर्नर का नाम पता चल गया, आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन में आ सकता है कि केरला के गवर्नर कौन है। आरिफ मोहम्मद खान हैज़ कॉल फॉर एन एंड टू दी प्रैक्टिसिंग टर्मिनेटिंग इट, टर्मिनेट करें, टर्मिनेट होता है समाप्त करना, टर्मिनेट करने की बोल रहे हैं इट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, जो संविधान की मोरलिटी के खिलाफ है ये। द स्टेट स्पेंड्स नियर अबाउट 8 करोड़ एवरी ईयर, आप समझ सकते हैं कि 8 करोड़ रुपया जो ये पेंशन ले रहे हैं, जो इनके मिनिस्टर्स के स्टाफ हैं, पर्सनल स्टाफ, वो ले रहे हैं 8 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर ऑन दर दिस पेंशन अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स, मतलब एक आइडिया लगाया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है। द बेनिफिशरी मोस्टली पोलिटिकल एक्टिविस्ट, जो पोलिटिकल एक्टिव रहते हैं, पोलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, ड्रॉ ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3,550 रुपी ए मंथ, 3,550 रुपये पर मंथ एंड डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता उसके साथ लेते हैं। इन 1959 द स्टेट अलाउड मिनिस्टर, तो 1959 में, तो ये बहुत पुरानी बात है, आपको पता चला है कि वो 1959 की बात है। इन 1959 द स्टेट अलाउड मिनिस्टर्स टू हैव 20 मेंबर ऑन देयर पर्सनल स्टाफ, तो 1959 में बताया गया था कि भाई 20 मेंबर रख सकते हैं एक मिनिस्टर, एंड ओवर द ईयर्स द नंबर हैज राइजन टू करेंटली 30, तो बढ़ते गए, आज 30 हो गए हैं कि एक मिनिस्टर 30 स्टाफ को रख सकता है अपने साथ में काम करने के लिए, एंड द नंबर हैज राइजन टू 30। एंड इन 1994 व्हेन द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस लेड क्या, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है जो, वाज इन पावर एंड पेंशन वर सेंक्शन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो पेंशन है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, आपको मैं बताना चाहूंगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, जो सिर्फ एक गवर्नमेंट है वहाँ पे वो ऑर्डर कर देती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ बात कहते हैं जो संविधान में लिखी हुई है, या फिर एक पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कहती है उसको, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कहती है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सिर्फ गवर्नमेंट को, अपोजिशन को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगा के उनकी पेंशन कर दी गई थी 1994 में की थी, एंड पेंशन वन सेक्शन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1982, तो 1994 में स्टार्ट हुई, बट रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव होता है एक तो प्रोस्पेक्टिव होता है आगे आने वाला, बट रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके, मतलब 1982 से उनकी पेंशन चालू कर दी उन्होंने, उनको एरियर मिला बहुत सारा हैंडसम अमाउंट। इन द बिगनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर दिस कोहरेट, कोहरेट होता है कोहोट, कोहोट होता है जैसे ग्रुप, मतलब ये जो बंदे हैं जितने भी ये स्टाफ है, कोहोरेट वाज 3 ईयर इन सर्विस, पहले था कि 3 साल उनको सर्विस करनी है उसके बाद पेंशन बन जाएगी। दैट कोहरेट इन द सर्विस एज अपोज टू द 10 ईयर फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको पता है कि उनकी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन बनती है, बट यहाँ पे उनके अपोजिशन में 3 साल नौकरी करो, मतलब किसी आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ रह जाओ, मिनिस्ट्री के स्टाफ रह जाओ, तो आपको 3 साल में पेंशन मिल जाएगी, ये इसका पॉलिसी है। तो दैट एज द पेंशन स्कीम्स फॉर इट्स रेगुलर एम्प्लॉयज जनरल बी बिकेम टाइटर, तो पेंशन स्कीम की जो मान लो रेगुलर एम्प्लॉय है उनकी तो टाइटर हो गई है, कम हो गई है लगा लो। द गवर्नमेंट मेड फ्लैग्रेंट एक्सेप्शन फॉर दिस क्लास, फ्लैग्रेंट होता है निंदनीय, मतलब जो निंदात्मक बातें की हैं, मतलब बुराई है इसमें, एक्सेप्शन, तो उनको अपवाद रखा, फॉर दिस क्लास दे आर नाउ एलिजिबल फॉर पेंशन आफ्टर 2 ईयर, तो अब इतना और उसको बढ़ावा दे दिया कि 2 साल वो नौकरी करेंगे एज ए स्टाफ किसी भी मिनिस्टर के और उनको पेंशन मिल जाएगी। द CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, CPIM जो है वहाँ पे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का उसको सपोर्ट है, तो वो CPIM वहाँ पे अभी पार्टी में CM बने हुए हैं। लेड रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सेड इट वुड नॉट हीड द गवर्नर डिमांड, तो जो वहाँ की पार्टी है वो बोल रही है कि वो हीड नहीं करेगी, लाइक हीड होता ध्यान देना, कहते ना पे हीड टू माई सजेशन, मतलब मेरे सजेशन को, जो मैं सुझाव दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो, तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट हैज सेड इट वुड नॉट हेट द गवर्नर डिमांड, गवर्नर डिमांड को ध्यान नहीं देगी, वो कह चुके हैं, फ्रंट हैज सेड एंड दैट द पेंशन स्कीम वुड कंटिन्यू, और वो कह रहे हैं कि पेंशन स्कीम तो कंटिन्यू रहेगी वहाँ पे जो गवर्नमेंट, द पेंशन स्कीम फॉर द पर्सनल स्टाफ हैज बिकम ए सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट हो गया मतलब फॉर द फॉर्चुनेट, मतलब फॉर्चुनेट होता है भाग्य आपका, कहते हैं ना
माई फॉर्चुनेट इट गुड, दैट्स वाई आई हैव गोट यू, मैंने आपको पाया, तो इसलिए बोलते हैं फॉर्चुनेट। तो है केम सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट है उनकी तरह, सेफ्टी का काम करती है। फॉर्चुनेट अमंग द कैवलरी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कैवलरी होता है घुड़सवारों की एक टोली, जैसे कैवलरी एक घुड़सवारी आपको आर्मी में एक आर्म्स वो मिलेगी, मतलब एक बटालियन है कैवलरी। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एक ग्रुप है तो उसके लिए एक सौभाग्य की बात है, सेफ्टी नेट के रूप में काम करेगी। बट इट्स क्रूअल इंसल्ट टू द स्वेलिंग रैंक्स ऑफ द स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्वेलिंग होता है बढ़ती हुई, स्वेलिंग तो सूजन होती है, बट उसको ऐसे यूज भी कर सकते हैं, स्वेलिंग जो बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग रैंक ऑफ द स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जो रैंक डिसाइड करते हैं भाई स्टेट में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें रैंक में बढ़ते जा रहा है वो। एंड अंडर एम्प्लॉयड यूथ, जो अंडर एम्प्लॉयड वो होता कि जो भाई आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आप टेंथ पे एक झाड़ू पोछा मारने वाले जॉब कर रहे हो, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एज द गवर्नर हैज पॉइंटेड आउट, गवर्नर ने पॉइंट आउट किया, मतलब एक रिमार्क्स दिया, देर इज ऑल्सो पैटर्न ऑफ द रिप्लेसिंग वन सेट ऑफ स्टाफ विद अनदर आफ्टर टू ईयर्स। तो एक ये है कि पैटर्न भी है, एक तरीका चला आ रहा है जो इसमें रिप्लेस किया जाता है वन सेट ऑफ स्टाफ विद द अनदर स्टाफ आफ्टर टू ईयर, दो साल के बाद चेंज हो जाता है, इन ऑर्डर टू कवर मोर पीपल अंडर द पेंशन स्कीम। देखो आप किसी बंदे को दो साल के लिए रिक्रूट करोगे और उसको पेंशन पे भेज दोगे, उसकी जगह दूसरा स्टाफ आ जाएगा, दो साल बाद चेंज हो जाएगा। दैट इज द पैथेटिक लाइक सिचुएशन ऑफ दिस पॉलिटिकल गिमिक, पॉलिटिकल चाल है कि बहुत से बहुत ज़्यादा बंदों को पेंशन के थ्रू कवर किया जाए, अपने नेपोटिज्म भाई भतीजावाद जो उसकी जानकार है उसको ले लेगा वो, वहाँ पे ये चीज़ चल रही है। एंड इन ऑर्डर टू कवर मोर पीपल अंडर द पेंशन स्कीम द सम रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी इन केरला आल्सो ब्रोट टू द फोर, ब्रोट टू द फोर का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रोट टू द फोर मतलब सामने लेके आए, ब्रोट टू द फोर अदर इनोवेट मोड्स ऑफ द नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद के अनदर कोई एस्पेक्ट्स भी लेके आए। नेपोटिज्म होता भाई भतीजावाद, मतलब आप किसी अपने जानकार के लिए कुछ करते हो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। सच एज आर्बिट्रेरी मतलब विवादपूर्ण रिक्रूटमेंट ऑफ द कंसल्टेंट, कंसल्टेंट को रिक्रूट करना, उनका विवादपूर्ण रिक्रूट होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, जैसे जो पहले की गवर्नमेंट थी उसके एंड में। सेवन पीपल वर अपॉइंटेड टू द सीएम पर्सनल स्टाफ, सात आदमी थे जो, सेवन पीपल थे जो सीएम के पर्सनल स्टाफ के रूप में उन्हें लिया गया। लाइक पीपल वर अपॉइंटेड टू द सीएम स्टाफ विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब भाई पीछे से उनके पेमेंट देनी चालू कर दी, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव आगे, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे। मेकिंग देम एलिजिबल फॉर पेंशन, ऑल पार्टीज इन केरला हैड एग्रीड, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में बात हो रही है, हैड एग्रीड हो चुके हैं टू दिस अरेंजमेंट, वो एग्री हो चुके हैं ये अरेंजमेंट के, ए सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज, मतलब सब पार्टी खुश हैं उससे और ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज हो रहा है, उनका पालन लालन पालन कर रहे हैं पॉलिटिकल में। इन द रिसोर्सिस स्टार्व्ड स्टेट, रिसोर्सिस जहाँ पे रिसोर्स स्टार्व होता भूखा, तो रिसोर्स की वहाँ पे कमी है, स्टार्व स्टेट। द गवर्नर हैज नाउ डिसरप्टेड, गवर्नर ने डिसरप्ट कर दिया दैट कम्फर्ट जोन बाई नॉट मियरली चैलेंजिंग इट, मतलब मियरली होता केवल चैलेंजिंग इट बट आल्सो लॉन्चिंग ए पब्लिक कैंपेन अगेंस्ट इट, तो उन्होंने इसके खिलाफ पब्लिक कैंपेन भी लॉन्च कर दिया। द फैक्ट दैट केरला इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, फैक्ट ये है, रियलिटी है कि केरला फाइनेंशियल क्राइसिस में है, ओनली मेक्स दिस पेंशन स्कीम मोर अनअसेप्टेबल टू द जनरल पब्लिक। फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो पब्लिक वैसे ही नहीं करेगी, क्योंकि उनके जो मतलब जो वो टैक्स भर रहे हैं उस पर बंदे ऐस कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, पोलिटिकल जो पैट्रोनेज चल रहा है वहाँ पर। तो ऑल पोलिटिकल पार्टी, जितने भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल पोलिटिकल पार्टीज मस्ट टेक नोट, मतलब मस्ट टेक नोट होता है नोटिस में रखना है या ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, कहते हैं ना कि भाई आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑफ दिस रिसेंटमेंट, मतभेद है जो, मतलब रिसेंटमेंट होता है किसी से आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है या आप उससे खुश नहीं है, रिसेंटमेंट दैट दिस प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जो प्रिफरेंशियल मतलब एक चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं टू दी पैट्रोनल देयर प्रोटीजीज, प्रोटीजीज होता है जो चेले हैं शिष्य हैं उनके, ऐसे बोलते हैं जो मतलब किसी की पैट्रोनेज में सीख रहा कोई नया बंदा उसको प्रोटीज बोलते हैं। कैन क्रिएट अगेंस्ट दी पॉलिटिकल क्लास इन जनरल, तो ये अगर मान लो इनके खिलाफ ले लेंगे तो ये पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट हो जाएंगे, जो प्रोटीज हैं जो उनके प्रचार करते हैं। दे मस्ट वर्क टुगेदर फॉर ए वेल्थ क्रिएटिंग कंसेंसस, तो उनको वर्क करना चाहिए वेल्थ क्रिएटिंग, जो जिससे वेल्थ क्रिएट हो, कंसेंसस सहमत इन द स्टेट रादर देन दी डिजाइनिंग एंड डिफेंडिंग सच इनडिफेंसिबल स्कीम। तो उनको
पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे जो स्कीम लेके आनी चाहिए जिससे उनका ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनसे जस्ट उनको डिफेंस करके रखें, ऐसी ऐसी स्कीम रखें अपने लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरे आर्टिकल में क्या गेमिक चल रहा है, पॉलिटिकल पैटर्न चल रहा है। वो अपने प्रोटीज को, चेलों को, शिष्य को, प्रोटीज जो मतलब प्रोटीज बोलते हैं उनको, जो किसी एक्सपर्ट आदमी के नीचे सीखता बंदा, तो वो उनको पाल रहे हैं। दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज दे आर टोटली बर्डन ऑफ द स्टेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सचेकर पे जो बोझ हैं, और वो दे आर टेकिंग मनी आउट ऑफ दी लाइक टैक्स पेयर पे, टैक्स से जो लेते हैं, और ये ग्रोथ के लिए हैम्पर है। और आपको पहले ही बता दिया कि वो लगभग 1200 आदमी हो चुके हैं, नियर अबाउट 1500 भी हो चुके हैं शायद। तो अब आपको जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, देखो क्या है, हर वर्ड का मैंने अच्छे से यहाँ पे डिटेल में उसके एग्जाम्पल दिए हुए, उसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। समझ सकते हैं पैटर्नेज होता है संरक्षक, तो छत्र छाया जा रहा। पैटर्नेज ऑफ द आर्ट्स कम्स मेनली फ्रॉम द बिजनेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इसके जो मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो क्या है, यही आप बोलने में यूज करोगे पैटर्नेज। लाइक आप किसी भी बंदे को कह सकते हो यू आर दी अंडर द पैटर्नेज ऑफ दिस सो एंड सो पर्सन, तो वही है कि छत्र छाया में हो या जो संरक्षक है आपका दवा। तो ऐसे पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स, जैसे आर्ट्स कला का पैट्रोनेज कम्स ओनली मेनली फ्रॉम द बिजनेस या प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू आता है। तो ऐसे ही यही एक तरीका है जिससे आप बोलना सीख सकते हैं और लंबे टाइम तक याद रखोगे। स्थिर होता है जिसे हिलाना, लाइक बाई सेइंग सच टाइप ऑफ थिंग्स यू आर स्टीरिंग ए हॉर्नेट हाउस। मतलब जो मतलब हॉर्नेट होता है ततैया का, आपको छेड़ रहे हो किसी चीज़ को। या फिर ऐसे सी स्टीर्ड हर कॉफी विद ए टी स्पून, उसने अपनी चाय को हिलाया टी स्पून के साथ। सी हर्ड, उसने सुना द बेबी स्टीयर इन द नेक्स्ट रूम, हलचल सुनी, हिलना डुलना सुना। हॉर्नेट होता है ततैया, मैंने आपको बताया। विप होता है जो पार्टी का मेन बंदा होता है, लीडर होता है, वो देखता है कि पार्टी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ही क्रैक द विप एंड द हॉर्स लेफ्ट फॉरवर्ड, द हॉर्स, उसने क्या है, विप, विप का ही दूसरा मीनिंग कोड़ा भी होता है। जैसे कोड़ा मारते हैं ना घोड़े को चलाने के लिए, तो उसका भी विप होता है। या पार्टी में जो सबसे सीनियर होता है वो देखता है कि जो बंदे हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने सुनाओ चीफ विप, विप कोड़े लगाना भी होता है। स्वेल होता है बढ़ना, स्वेलिंग आना या कोई मतलब। तो अगर कोई नंबर ऑफ पीपल आर स्वेलिंग देयर, देन तो वो बढ़ रहे हैं आदमी, संख्या बढ़ रही है उनकी, तो इसलिए दैट। या फिर उसका कह सकते हैं आफ्टर द फॉल हर एंकल बिगेन टू स्वेल अप, उसका टखना जो है सूजने लगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो ये है कि द क्राउड स्वेल टू 600 बाय द एंड ऑफ द इवनिंग। मतलब दिन के शाम होते होते 600 आदमी हो गए थे, संख्या बढ़ गई थी, इसलिए स्वेल्ड का ऐसे भी यूज है। कोहोर्ट होता है ग्रुप, तो ये कि ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट पेशेंटली ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन को बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल है जो आई मतलब सिविल सर्वेंट है जो शांति से रह के ड्राफ्ट लेजिस्लेशन न्याय को लिखते हैं। जत्था भी बोलते हैं हिंदी में। कोहोट फ्लैग्रेंट होता है मतलब निंदात्मक, शर्मनाक बात है ये, दे आर डूइंग फ्लैग्रेंट टास्क, एडजेक्टिव है ये, टास्क के आगे लगाएंगे तो फ्लैग्रेंट। फॉर्चुनेट है भाग्यशाली। कावेलरी जो घुड़सवारी का एक गुट है, कावेलरी बोलते हैं। स्वेल मैंने बताई दी आपको। फोर होता है जैसे ब्रिंग टू द फोर, उसने सामने लेके आया। फोर मतलब फोर वैसे हिंदी मीनिंग इसका होता है जैसे जहाज के आगे जो झंडा होता है वो रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, बट ब्रिंग टू द फोर वो लाइम लाइट में लेके आया, नोटिस में लेके आया, वो फ्रेजल वर्ब है। ब्रोट टू द फोर, सामने लेके आया, लाया गया। प्रोटीज, प्रोटीजीज होता है जो ही नर्चर्ड द कैरियर ऑफ ऑल हिज प्रोटीजीज, मतलब उसके चेले हैं जो उसके ट्रेंड हो रहे हैं उसके नीचे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कहीं भी कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, लाइक कीजिए वीडियो को प्लीज़, ये मेरे लिए मोटिवेशन का फैक्टर काम करेगा। थैंक यू, आई विल कम टुमारो विद द मोर इनोवेटिव आइडिया बाय विच मीन्स यू कैन लर्न इवन आई विल वुड बी ग्रेटिफाइड टू यू दैट इफ यू वुड लाइक माई इनिशिएटिव। थैंक यू, बाय।